स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कलरफुल लाइफ विद हियल। तो आज हम करने वाले हैं फिंगर आर्ट, और उससे भी पहले हम इंटरेस्टिंग जानकारी जान लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस सजेशन इज गिवन बाय सौम्या। थैंक यू सो मच सौम्या। और ये वीडियो स्पेशली सब छोटे छोटे बच्चों के लिए है। आज हमारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का टॉपिक है बटरफ्लाई। हमारे आसपास गार्डन्स में बहुत सारी बटरफ्लाईज होती है, जो कि बहुत प्यारी और बहुत सुंदर होती है। बटरफ्लाई पूरे विश्व में पाई जाती है। बटरफ्लाई के जीवन में चार चरण होते हैं, अंडा, लार्वा, कैटरपिलर, वयस्क तितली। बटरफ्लाई के आगे की तरफ एक एंटीना होता है, जिसकी मदद से वो कुछ भी चीज सूंघ सकती है। तितलियाँ ठंडे खून वाली होती है। तितलियाँ तभी उड़ सकती है जब उनके शरीर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस हो। तितलियाँ उड़कर 3000 फीट ऊपर जा सकती है और 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार में उड़ सकती है। तितली के पैरों में धूल जैसे कण होते हैं। तितलियाँ सुन नहीं सकती, पर वो वाइब्रेशन महसूस कर सकती है। तितलियाँ मधुमक्खियों की तरह फूलों से रस पीती है। तितलियाँ एक या दो हफ्ते तक ही जीती है, लेकिन कुछ प्रजातियाँ 9 महीने तक जिंदा रहती है। तितलियाँ पत्तों पर अंडे देती है। तितलियाँ किसी भी चीज का स्वाद उसके ऊपर खड़ी रहकर चखती है, क्योंकि उनके पाँव में चखने वाले सेंसर पाए जाते हैं। तितली की आंखों में 6000 लेंस होते हैं। आप सबको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि वो खाना तो पचाती है पर बाहर नहीं निकालती। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आर्ट ऑफ फिंगर। तो हमें उसके लिए चाहिए होगा एक पेंसिल, एक इरेजर और स्केच कलर या फिर ब्रश कलर्स और एक मार्कर। तो हम फर्स्ट में ऐसे रखते हैं और फिर वापस इसको ड्रॉ करते हैं। थोड़ा रफली ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, हम कलर करना स्टार्ट करते हैं। तो हम उसके लिए लेंगे पर्पल कलर और पिंक कलर और येलो। तो फ्रेंड्स, हम अब चिंपैंजी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको टर्न कर लेना है थोड़ा सा, फिर हमें ऐसा ऐसा शेप बनाकर यहाँ पर एकदम ऐसे रखना है, और फिर हमें इसकी बॉर्डर पर ऐसा। हमने इसकी दोनों आइज बना दी है, तब हम इसकी बनाएंगे नोज। एक छोटी सी नोज बनाई है हमने और एक प्यारी सी स्माइल बनाई है ऐसे, और थोड़ा सा ऐसा। तो हमारे चिंपैंजी कितना स्मार्ट लग रहा है ना। और अब हमें करना है इसको कलर। तो मैंने यहाँ पे लिया है ऑरेंज कलर और ब्राउन कलर। तो फ्रेंड्स, हमारी थर्ड पेंटिंग है रेंडियर। तो हमें इसके लिए चाहिए होगी हमारी पूरी 5 फिंगर्स, और इसको ऐसा शेप देना है कुछ इस तरीके से। संगोली को थोड़ा पास में रखना है ऐसे और ऐसा। तो फ्रेंड्स, हमारा रेंडियर स्केच हो चुका है। तब हमें चाहिए होंगे कलर्स, रेड कलर, ब्राउन कलर और स्केच कलर का ब्राउन कलर,
ऑरेंज कलर और हाइलाइटर तो कंपलसरी है लास्ट में। तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे सेंटा क्लॉज। तो हम इसको बिल्कुल टर्न कर लेते हैं और फिर हम इसको ऐसे और ऐसे करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम सेंटा में आउटलाइनिंग और ब्लैक कलर में हम इसको बना रहे हैं, रेड कलर, येलो एंड ब्लू कलर। हम ब्लू कलर सी आइज में करेंगे। पहले वाले पहेली का आंसर है काइट यानी कि पतंग। और आज की पहेली है, ऐसी कौन सी भाषा है जो खाने के भी काम आती है।